दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो, चाहे आप पुराने यूट्यूबर हो चाहे आप नए यूट्यूबर हो, आज के वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। क्यों, वो मैं आप सभी बता रहा हूँ। आप लोग यूट्यूब चैनल बना रखे हो तो जाहिर सी बात है ईमेल आईडी का इस्तेमाल आप सभी ने किया है, ठीक है, मैंने भी किया है। लेकिन अपने ईमेल आईडी को सुरक्षित करने के लिए, अपने यूट्यूब चैनल को सुरक्षित करने के लिए क्या क्या कर रखा है? जिन दोस्तों ने अपने एंड्रॉयड फोन में लॉग इन करने के लिए ईमेल आईडी बना रखा है, उनके लिए भी वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि जरूरी नहीं कि यूट्यूबर के लिए ही है। आप लोग अगर ईमेल आईडी यूज कर रहे हो, चाहे आप अपने स्मार्टफोन के लिए यूज कर रहे हो या फिर यूट्यूब चैनल के लिए यूज कर रहे हो या फिर बिजनेस के लिए या पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो, तो आज के वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में आपसे बताने वाला हूँ कि आप अपने ईमेल आईडी को किस तरीके से सेफ रख सकते हो, किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो, कोई हैकर हैक ना कर सके आपके ईमेल आईडी को। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में जानते हैं, क्योंकि गूगल कहता है दोस्तों कि आपको जो फीचर्स दिए जाते हैं अपने ईमेल आईडी या फिर यूट्यूब चैनल को सेव करने के लिए, उसको हमेशा इनेबल करके रखें, यानी हमेशा एक्टिवेट करके रखें। तो आज की वीडियो में ऐसे ही एक फीचर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जिससे कि आपका ईमेल आईडी काफी हद तक सुरक्षित हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं कि टू स्टेप वेरिफिकेशन से किस तरीके से अपने ईमेल आईडी को सेव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं टेक हेल्पर सूरज यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट, टिप्स, ट्रिक्स, ऑफर की जानकारी मैं लेके आऊं, वो आप सभी तक जल्द से जल्द बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। दोस्तों, और हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे सभी सोशल मीडिया लिंक से नहीं जुड़े थे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे वहाँ पे सभी सोशल मीडिया लिंक प्रोवाइड करवा देगा, और हमारे सभी वीडियो का प्ले लिस्ट भी यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिए गए। आप वहाँ जाके हमारे सभी सोशल मीडिया लिंक से जुड़ सकते हैं और हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट जाके देख के कुछ नया जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया जानते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल बनाएं, साथ ही हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आप आगे आने वाली वीडियो का भी इसी तरह लुत्फ उठाते रहें। तो दोस्तों, हम अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। आपका जहाँ भी स्मार्टफोन में सेटिंग है उस पर आपको क्लिक कर देना है सिंपली। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन में आपको आना, नीचे की तरफ स्लाइड करके यहाँ पे आप सभी को गूगल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि आपके स्मार्टफोन में गूगल का ऑप्शन किस फोल्डर में हो, तो आप चेक कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मोर सेटिंग में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं दे रखा है ऑप्शन, वैसे ही कहीं आपका भी हो, इसलिए चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे गूगल पे अभी क्लिक कर लेना है। गूगल पे क्लिक करते हैं, आगे का स्टेप बताता हूँ मैं आप सभी को। यहाँ इस तरीके का इंटरफेस आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मैनेज यूवर गूगल अकाउंट पर आपको क्लिक कर लेना है। मैनेज यूवर गूगल अकाउंट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप सभी को स्लाइड करके सिक्योरिटी पे आ जाना है। सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ स्लाइड करके नीचे यहाँ देख सकते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ है, तो अब हमें इसे ऑन करना है। और ऑन करने के लिए हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, तो हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आप यूट्यूबर हो या फिर आपके पर्सनल ईमेल आईडी ऐसे ही यूज़ करते हो स्मार्टफोन में लॉगिन करने के लिए या फिर ऐसे ही, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने ईमेल आईडी को प्रोटेक्ट करो। अगर आपका ईमेल आईडी प्रोटेक्ट रहेगा, सेफ रहेगा, तो ही आपका डेटा सेफ रहेगा, ठीक है। इसलिए आपको ये सर्विस प्रोवाइड करवाया जा रहा है गूगल की तरफ से, तो इसको ऑन करके रखना चाहिए आप सभी को। तो यहाँ पे आप सभी को बताया जा रहा है कुछ इस तरीके का, आप पढ़ लीजिएगा इसको, किस तरीके से सेव कर सकते हैं अपने ईमेल आईडी को, अपने गूगल अकाउंट को। तो हम गेट स्टार्ट पे क्लिक कर लेते हैं। गेट स्टार्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप सभी से पासवर्ड मांगा जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे पासवर्ड अपना एंटर कर देना है, तो हम अपना पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने अपना पासवर्ड एंटर कर दिया है, साइन इन पे क्लिक कर लेंगे। पासवर्ड एंटर करके साइन इन करने के बाद दोस्तों, कुछ इस तरीके का स्टेप आप सभी को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप सभी को क्या करना है वो बताया जा रहा है, यूज योर फोन एज योर सेकंड स्टेप टू साइन इन, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सब पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे आते ही दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को बताया जा रहा है ऑलमोस्ट देयर एड ए बैकअप ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो होगा, अगर नहीं शो हो रहा है तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी है आपको अपने ईमेल आईडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसलिए आप अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा जो कि परमानेंट आप यूज़ करते हैं। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा हाउ डू यू वांट टू गेट कोड्स, यानी कि आपको कोड जो होता है टू स्टेप वेरिफिकेशन के द्वारा आपको कोड भेजा जाता है, आपको फ़ोन से चाहिए या SMS से चाहिए, आप कन्फर्म कर लीजिएगा। यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको बताया जा रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे सेंड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप सभी को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ यूज़ अनदर बैकअप ऑप्शन भी बताया जा रहा है, लेकिन मैं सिर्फ टेक्स्ट ऑफ
मैसेज का ही ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा क्योंकि ज़्यादा सेफ होता है। अगर कोई हमारा अकाउंट हैक करने का कोशिश करेगा, ईमेल आईडी हैक करने का कोशिश करेगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि वो पासवर्ड डालेगा हमारे मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर हो जाएगा उस पे एक ओटीपी आएगा। जब तक वो ओटीपी वो नहीं डालेगा तब तक उसका काम कन्फर्म नहीं होगा हैकर का, तो वो बेचारा लटक जाएगा बीच में। इससे आपका क्या होगा कि ईमेल आईडी हमेशा के लिए सेफ रहेगा और हैकर कितना भी कुछ भी कर ले, जब तक आपका ओटीपी जो आएगा गूगल की तरफ से वो उसको मिलेगा ही नहीं, तो वो आपका अकाउंट हैक नहीं कर सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, कभी भी मोबाइल में आप ऐसे ऐप्स इंस्टॉल मत करो जिससे कि आपके डेटा को चोरी कर सके कोई भी हैकर, ठीक है? इस बात का भी ध्यान रखना। आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछोगे तो मैं उसमें वीडियो लेके आऊँगा कि कौन कौन से ऐप्स ऐसे हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट मैसेज पे हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, यहाँ फोन कॉल का भी ऑप्शन है, तो हम टेक्स्ट पे ही रहने देते हैं, सेंड पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेसिंग में बताया जा रहा है, यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन कोड भी आ चुका है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे एंटर द कोड पे कोड डाल देना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोड चेक कर लेते हैं अपना और फिल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना कोड फिल कर लिया है। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि हम नहीं करना चाहते हैं अपना अकाउंट का टू स्टेप वेरिफिकेशन अपना ईमेल आईडी का, तो बैक कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे वैलिडेटिंग पिन बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन, यहाँ पे बताया जाए सेकंड स्टेप गूगल प्रॉम्प्ट डिफॉल्ट और बैकअप ऑप्शन, यहाँ पे वॉइस और टेक्स्ट मैसेज में बताया गया, ठीक है? यू ऑल स्टेप साइन इन टू जो हमारा अकाउंट है, यहाँ पे ये सब बताया जा रहा है, ये सब आप अपना पढ़ लीजिएगा, ठीक? मैंने बहुत कुछ ऐसा डिटेल है जो कि पर्सनल उसे ब्लर कर दिया प्राइवेसी इशू से दोस्तों, ठीक है? आप बस स्टेप फॉलो कीजिए। यहाँ टर्न ऑन पे आपको क्लिक करना है तो आपका जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो ऑन हो जाएगा। तो हम टर्न ऑन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं टर्न ऑन सेटिंग, यहाँ पे वैलिडेटिंग बताया जा रहा था, ये ऑन हो जाएगा थोड़ी देर में। यहाँ पे देख सकते हैं पेज हमारा लोड हो रहा है नेक्स्ट वाला, तो देख सकते हैं यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन इज ऑन सिंस यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं अवेलेबल सेकंड स्टेप बताया जा रहा है जो भी है यहाँ पे। यहाँ पे अगर टर्न ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे टर्न ऑफ पे क्लिक करके टर्न ऑफ भी कर सकते हैं, यानी कि बंद भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अपने ईमेल आईडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हैकर से और अपने यूट्यूब चैनल को भी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो और जानकारी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप सभी का एक एक लाइक हमारे को काफ़ी मोटिवेट करता है आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लाने के लिए। और अभी तक अपने दोस्तों में नहीं शेयर किए तो फटाफट इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल सके ऐसे लेटेस्ट अपडेटेड टिप्स ट्रिक्स, ठीक है? और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर ऑल बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि ऑल बेल नोटिफिकेशन ऑन रहेगा दोस्तों तो मैं जो भी लेटेस्ट अपडेट टिप्स ट्रिक्स ऑफर की जानकारी लेके आऊँगा वो आप सभी तक फटाफट जाता रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।